अस्सलामुअलैकुम मलंग लोग हाजिर है अपने न्यू व्लॉग के साथ और इस खूबसूरत शाम के साथ। जैसा कि आपने देखा ही है कि वेदर इज बिकमिंग सो गुड एंड स्प्रिंग इज ऑन इट्स वे, ऑलमोस्ट इज हियर। और हमने कहा कि अपना जो है ना स्प्रिंग को, जो हमारी बहार है, इसको अच्छे तरीके से वेलकम किया जाए। हाँ। और क्यों ना इस अच्छी सी शाम का फायदा उठाया जाए और आज बाहर बैठ के मिल के हम थोड़ा कुकिंग करें। और आपने देखा ही होगा कि सना जो है ना ये माई फतह बनी हुई है आज, और ये क्या बना रही है, ये लकड़ी में क्या कूटा जा रहा है। तो गाइस इफ यू वॉन्ट टू नो, जल्दी से आप पहले हमें सब्सक्राइब करें और फिर आपको पता लग जाएगा कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। ठीक है, well, let them give them few seconds, isn't it? Yeah, make sure you click the subscribe button now, guys. Yes. Yes. चले, आप सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जो है ना चप्पल कबाब। और बच्चों का बहुत दिल था कि मम्मा आप चप्पल कबाब बनाएं, बिकॉज दे लव माय चप्पल कबाब, जैसे कि मैं चप्पल कबाब बनाती हूँ। यम्मी डिलीशियस चप्पल कबाब द मलंग लोग वे। यस गाइस, तो आपने अगर उसकी रेसिपी लेनी है तो स्टिक विद अस एंड कैरी ऑन वॉचिंग अस। और अभी आपको उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। चले जी। फिलहाल मेक श्योर कि जो है धनिया जो है बिल्कुल बारीक हो। अच्छा ठीक है, कि जितना बारीक धनिया होगा उतना ही अच्छा लगेगा। तो चलें जी, अपने चप्पल कबाबों के लिए जो हमें मसाला जार जो हमें चाहिए वो आपको बताते हैं कि उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि आपने मीट देखा है कि ये मेरे पास बीफ का जो है ना वो कीमा मैंने करवाया है, और यहाँ पे उसके साथ जो आपने ये वाइट देख रहे हैं इसकी चर्बी है, और आधा हमारे पास कीमा है और आधे से थोड़ा सा कम जो है ना हमारे पास यहाँ पे चर्बी है। क्योंकि चर्बी मेरा दिखाने का मकसद आपको, इसलिए मैंने इसको शामिल नहीं किया, आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता लगे कि फ़ैट भी इसके अंदर कितनी ज़रूरी है। विदाउट फैट आपके चप्पल कबाब जो है ना वो अच्छे नहीं बनेंगे और उसका जो है ना वो मसाला जुड़ेगा भी नहीं आपस में। और चलें फिर, ये आपने गोश्त देखा है, इसके साथ ही हमने जो अनारदाना पाउडर है जो मैंने मोटा कूट लिया हुआ है अनारदाना फ्रेश लेके, तो वो इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले। अनारदाना के बाद हम इसके अंदर जो है ना यहाँ पे मेरे पास साबुत सूखा धनिया और ज़ीरा वो मैंने मिक्स कर लिया हुआ है, इसको तवे पे कड़का के अच्छे तरीके से फिर इसको कूट लेंगे, मोटा साबुत कूटेंगे इसको, और वो भी फिर इस मसाले के अंदर डालेंगे। बेटा मेरी जान, सबके जाऊं रीजा, हेलो। क्या पाकिस्तानी कुकिंग हो रही है आज? आज आपने देखा ये रीजा कैसा मैं तवा आके बैठी हुई हूँ, आपका जो नहीं है मैं चप्पल कबाब आपको बना के देती हूँ। चप्पल कबाब? ये बहुत नाइस है चप्पल, बहुत मजा का है मम्मा, थैंक यू सो मच मम्मा। तो आज पाकिस्तानी स्टाइल में बाहर बैठ के, जैसे मेरी दादी अम्मा बनाया करती थी, नानी अम्मा बाहर बैठ के, तो मैं भी आज उसी स्टाइल में बैठ के चप्पल कबाब बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मिल के खाएंगे हम सब चप्पल कबाब। तो आज आप क्या कर रही हो लीजा, ये तीर किधर शॉट लग रहे हैं आज? अलीजा आज मीरा के साथ तीर अंदाजी खेल रही है डैडी। कितना अच्छा लगता है गाइस के अपना वही कल्चर आप अपना दिखाएं बच्चों को, जैसे पहले वक्तों में किया करते थे लोग, बाहर बैठ के खाना बनाया करते थे। एक बहुत ही थेरापूटिक लगता है, बहुत अच्छा लगता है बाहर बैठ के खाना पकाना और मजा करना। ये देखें कि बहुत ही अच्छे से कड़क गया है, और यहाँ से जो है ना हम इसको डालेंगे और इसको पीस लेंगे।
माशाल्लाह से हीट बहुत ही अच्छी है, बहुत जबरदस्त हीट है। ये भुना हुआ जीरा और ये इसको अच्छे तरीके से पीस के तो ये भी डाल देंगे हम। फिलहाल आप इतने में जल्दी से मुझे टमाटर काटें और दो अदद प्याज भी काटें। गाइस अब हम 3 से 4 टमाटर काटेंगे, इसलिए कि ये जो कीमा लेके आए हैं मैं सना वो 2 kg था, सो वी गोइंग टू पुट 3 to 4 टमाटर। यहाँ पे गाइस मेरे पास जो है ना सूखा धनिया और जो मेरा ज़ीरा था वो अच्छे तरीके से मैंने उसको पीस लिया है मोटा मोटा। यहाँ पे अब मेरे पास ब्लैक पेपर है, साबुत जो काली मिर्च है उसको भी अच्छे तरीके से हम बीच में शामिल करके कूट लेंगे, और यहाँ पे मेरे पास अजवाइन है, अजवाइन को भी ग्राइंड कर लेंगे। Right guys, अब हमने 2 प्याज काटने हैं and we're gonna add this to the mix. तो सना, what are you doing now? बिलाल अभी मैंने जो अपने जो मसाले थे, मेरी हेल्पर आ गई है लीजा मेरे पास बाहर गार्डन में, तो मैंने कहा आप इसको पीसे और मैं इसके अंदर बाकी जो मसाले हैं वो ऐड करूँगी। Lovely. ठीक है, बाकी हैं वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे जो मसाले हैं वो ऐड करते हैं। यहाँ पे फ्रेशली मोटी जो कूटी हुई मिर्च है इसको भी ऐड करेंगे। ये भी 2 ही चम्मच है मेरे पास, बड़े खाने के चम्मच। यहाँ पे गरम मसाला है इसको ऐड करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास जो लहसुन अदरक है और हरी मिर्चें कूटी हुई है ये भी डाल देंगे। ये मेरे पास जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट भी, एक बड़ा खाने का चम्मच है और एक से डेढ़ चम्मच बड़े खाने की जो है ना हरी मिर्चें हैं मेरे पास, ये ऐड करेंगे। यहाँ पे जो अंडे हैं मेरे पास, अंडे भी जो है ना वो भी ऐड कर देंगे बीच में। 2 अदद अंडे ऐसे ही डालेंगे, और बाकी जो मेरी खास टिप है जो अंडों को मैं फेंट के डालती हूँ उतनी कच्चा पक्का डाल के तवे के ऊपर, वो भी बीच में ऐड करेंगे। ठीक है, तो अभी 2 से 3 अदद अंडे जो है ना हम वो डालेंगे। मुझे ये कौन मील पकड़ा रहे हैं यहाँ पे मकई का आटा, प्लीज़ ये लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास मकई का आटा है, ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये एक प्याला जितना मेरे पास है आटा, क्योंकि आपको पता है कि जितना गोश्त हो ज़्यादा उसके लिहाज से आपको वो मकई का आटा डालना पड़ता है, और उससे मकई के आटे के बगैर आपके जो चप्पल कबाब है वो क्रिस्पी नहीं बनते, तो ये तो लाजमन है। ये रेडी है मामा, चलें फिर इसको डालते हैं, मेरी हेल्प करें आप। ये मेरा प्याज भी रेडी हो गया। ये भी बिलाल प्याज भी आप डाल देते हैं। Here we go. बिस्मिल्लाह। क्या कलर है? मैं कहती हूँ कि अभी से इतनी खुशबू आ रही है इन मसालों की, और ये जो फ्रेशली ग्राउंड सारे मसाले थे, क्या बात है उसकी। स्टेज पे जो है ना ये अंडे हमने उतार लेने हैं, ये हमने अपने मसाले में डालने हैं। ज़्यादा अंडों को पकाना नहीं है। ये हमारा
हमारा इसका मकसद यही है कि ये जो है ना कीमे को बाइंड करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। जी अच्छे तरीके से सारे मसाले को हम गून लेते हैं और उसका फ़ायदा अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, उसका फ़ायदा ये होगा कि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आएगा और साथ साथ आपने इसके अंदर ये थोड़ा सा ऑयल भी मिक्स करना है। जब आप इसको भून देंगे ना तो आप इसके अंदर थोड़ा ऑयल मिक्स करना, बहुत ही अच्छे से सब कुछ मिक्स हो जाएगा। तो गाइस चप्पल कबाब बनाने के लिए ये हम चर्बी डालने लगे हैं। ये आइडिया हम मैंने पाकिस्तान देखा था, सना ने भी, तो हमें बहुत अच्छा लगा। सो वी आर गोना यूज द सेम आइडिया, यस सना, क्योंकि आपको पता है कि चर्बी के बगैर भी जो है ना मज़ा इसका चपली कबाब का मज़ा अधूरा ही है। हाँ तो चपली जो इधर चर्बी रख देते हैं एंड वी विल लेट इट मेल्ट गाइस। इसकी फैट जब मेल्ट होगी तो इसके फैट में हम जो है ना इन कबाब को बनाएंगे। यह दैट्स द आइडिया, सो लेट्स पुट दिस हियर एंड इसको वेट करते हैं थोड़ा सा तेल निकल आए इनमें से। और अगर आप इसके ऊपर लिड दे दें तो वो जल्दी जो है ना वो चर्बी जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना हाथ अच्छे तरीके से गीला करेंगे इस बर्फ़ वाले पानी में और यहाँ पे मेरे पास ग्रीस पेपर ले लेंगे, कोई भी पेपर ले लें और उसके ऊपर कबाब डालेंगे तो कबाब जो है ना वो टूटता नहीं है और अच्छे तरीके से वो आ जाता है, हाथों से उतर जाता है, फिर चिपकता नहीं है इजीली। यहाँ पे हम रखेंगे नाम ले के अच्छा बड़ा सा कबाब बनाएंगे। चप्पल कबाब की खासियत ये है, यही है कि वो बड़ा कबाब होता है। देखिए कितना इजीली आ गया। ओह वाह, ये तो लगता है कि ऑनेस्टली पिशावरी किसी ढाबे पे आ गए हैं और चप्पल कबाब जो है वो बन रहे हैं। माशाल्लाह, मुझे तो मजा आ रहा है गाइस। वेल डन सर, मजा आ रहा है आज। आप सब ने भी ये रेसिपी ट्राई करनी है और जरूर मुझे बताना है कि आप लोगों के चप्पल कबाब कैसे बने। बड़े अच्छे बन रहे हैं कबाब। ओह वाओ, अलीजा दा लुक डिलीशियस है नी। और जो खुशबू आ रही है गाइस उसकी उसकी तो क्या ही बात है। माशाल्लाह से ये तो कबाब हमारे जो रेडी हो चुके हैं इनको निकालते हैं और अगलों को डालते हैं और साथ ही मैं जो है ना हरे पुदीने की चटनी बनाती हूँ क्योंकि पुदीने की चटनी के बगैर ग्रीस कबाब जो है ना उनका कोई जायका अधूरा ही है। सना बहुत चस्कोरी है, चस्कोरा बनना पड़ता है। क्या क्या समझे आप, चस्का लगाएं तो फिर पूरा। ये तो चस्का लगाएं तो फिर पूरा। अलीजा बेटा आप सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करें और सबको बताएं आपने चटनी बनानी है। अच्छा चले जी अलीजा, धनिया सबसे पहले धनिया डालें, अलीजा सारा कुछ डालें, वो गार्लिक पाउडर ये सारा ऐड कर दो। शाबाश, बादाम अलीजा, ये नमक डालो अलीजा। हाँ टमाटर और पुदीना डालो अलीजा। ड्राई मसाला अलीजा उठा लो।
और ये ड्राई मसाले में जो है चाट मसाला और अनारदाना पाउडर है, और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करो बस सरीजा। शाबाश। ये हमारी जी बड़ी शाही चटनी बन रही है बादामों के साथ। आप लोगों ने ये भी बताना है कि आपको ये चटनी भी कैसी लगी। क्या मजा आ रहा है कसम से, ये कबाब और ये शाम फकीर हो गई है कसम से। क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है ना वो एक गांव से है, और मुझे हमारी दादी अम्मा और जो थे ना बड़े, वो सब ऐसे बैठ के बाहर तालाब में रोटियां पकाना और कबाब बनाना, चीज़ें बनाना ऐसी नेचुरल अंदाज से। तो मुझे तो आज वो सारी जो है ना टाइम अपना याद आ गया गाइस। तो आप भी खूब इंजॉय किया करें, लाइफ को चेरिश करें जो थोड़ा सा हमारा टाइम है इस दुनिया में, और खूब इंजॉय करें। लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको हमारा ये ब्लॉग आज का कैसा लगा। ठीक है, चले फिर आप खाना खाते हैं तो कबाब, चखते हैं कि कैसे बने। लीजा मीरा बिस्मिल्लाह करो और ट्राई करो। शाबाश दादी, कबाब ट्राई करते हैं। कबाब और भी आ रहे हैं जी, गरम गरम कबाब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मजा स्वाद आ गया जी। गाइस यार लुक अमेजिंग गाइस, लुक यार, ये देखें जी, अमेजिंग, बहुत अच्छी तरीके से कुक हुआ और क्या फ्लेवर आ रहा है। सुना नमक मिर्च मसाला, मैं कहती हूँ हर चीज जबरदस्त है कि मैं खुद बड़ी हैरान हो गई हूँ कि बिल्कुल किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ लीजा मीरा, आपको कैसा लग रहा है? जबरदस्त माशाल्लाह गाइस, थैंक यू सो मच गाइस स्टेइंग टिल द एंड वाचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद होगा आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो इसी शाम के साथ अल्लाह हाफिज। अमेजिंग। फिलहाल जी माशाल्लाह से कबाब बड़े ज़बरदस्त बने हैं और काफ़ी बरकत पड़ी है। अभी तो मैंने और कुछ थोड़े से बनाऊंगी, तो ये थोड़े से बाजी आसमा की तरफ और उमर लोगों की तरफ भी दे आएंगे। ठीक है जी, आप ताज़े ताज़े बनाएं, फ्रेश फ्रेश, तो अपने नेबर्स को दे आते हैं। काश के आप सब भी हमारे पास होते तो आप सबको भी मिल के आप हम कबाब हम आप सब के साथ पार्टी करते बैठ के। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले मिलते हैं अपने अगले व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।